अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल, तां दी सोफिया कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैरियत से हूँ। मज़ेदार रेसिपीज़ हमेशा वगैरह खड़ी ईंदा आयूँ, फरमाइशों भी तमाम घड़ी अचन पियं। इन्हें का पैं तक बुधाईदम को पोलियो जा कतरा बारन के प्यारो। 5 साल का घट उम्र वाले बारन के हर भेरे पोलियो जो पोलियो वैक्सीन जा 2 कतरा ज़रूर प्यारंदो। वधीक राबते लाए 1166 ते कॉल करे बुधाई सको था। अगर तां जे एरिया में पोलियो जी टीम नथी अचे ता तां हिते कतरा पियण ला हुनन के कॉल करे बुधाई सको था। पांजो एरिया बुधायो ता अची वेंदी। आई जडे टीम तां जे घर ते इंदी आ पोलियो जो कतरा पियण, त उनन जी मेहरबानी करे इज्जत कंदा कयो, दर ना बंद कंदा कयो, मना ना कंदा कयो, कूड़ ना गलाइंदा कयो। छाकाण त इहो असां जी पूरी नसल जे लाइ ज़रूरी आहे, ठीक आहे। ऐं ॼमंदर जेको ॿार हूंदो आहे, नंढो ॿार जो न्यूबॉर्न बेबी ओॾीमहिल ॼाईंदो आहे, हुनखे बि पोलियो जा कतरा बाक़ाइदगी सां पीआरबा हर महीने, जंहिं तरीक़े सां जंहिं रुटीन सां पीआरबा आहिनि उहो ई पीआरियो। 5 सालनि जी घटि उमिरि ताईं, यानी 5 साल ताईं जेसि ताईं ॿार थिए, ज़रूरु पोलियो जा कतरा पीआरियो। हे ज़रूरी आहे छो कि असांजे मुल्क में कुझु हिसा अहिड़ा आहिनि जिते पोलियो अञा बि बाक़ी आहे ऐं मुंहिंजी पैदावार हले पई, त महिरबानी करे इहे ज़रूरु पीआरियो। एनएक्स असां सां गॾु आहे। एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, हे सभु माइक्रोवेव ओवन तव्हांजे साम्हूं मां यूज़ कंदो आहियां। वठो, तमामु ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहे। सुपर डीलक्स चॉपर आहे, सुपर डीलक्स चॉपर सां गॾु आहे डीलक्स ब्लेंडर ऐं ग्राइंडर, ठीकु आहे। हे आहे हैंड ब्लेंडर आहे, मसालो पीसण वारी मशीन जेका तव्हांजे साम्हूं मां यूज़ कंदो आहियां। काफ़ी सारी इन जी प्रोडक्ट आहे मार्केट में अवेलेबल आहे, तव्हां वठी सघो था। अॼु की रेसिपी छा ठहे पई? अॼु असां ठाहियूं पिया रसमलाई। रसमलाई ठाहियूं पिया, रसमलाई जी फरमाइश आई पई काफ़ी दफ़ा, ऐं हिन सां गॾु मां गुलाब जामुन तव्हांखे ठाहिणु सेखारिया था। रसमलाई खीर जेको असां हिनमें इस्तेमालु कंदासीं, खुश्क पाउडर सां ठाहींदासीं, ठीकु आहे। गॾु ई ठाहियूं पिया चिकन कीमा शिमला मिर्च। चिकन कीमो शिमला मिर्च जी भाॼी ठहंदी, ॿई रेसिपी सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदियूं। स्क्रीन ते नंबर ले पियो, का बि फरमाइश करणी हुजे कॉल करे पुछी सघो था, ॻाल्हाए सघो था। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं, बहुत सारी फरमाइशें आपकी पूरी की, तो रसमलाई की फरमाइश आ रही थी, तो रसमलाई आज बनाना सिखा रहा हूँ मिल्क पाउडर से, ठीक है। रसमलाई बनाएंगे, साथ ही कीमा और शिमला मिर्च, चिकन कीमा शिमला मिर्च बना रहे हैं। दोनों रेसिपीज़ कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेंगी, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो, पूछ सकते हैं। एनएक्स हमारे साथ हैं। एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वगैरह हर चीज़ मिल रही है। सुपर डिलक्स चॉपर है, डिलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर है, उसके साथ हैंड बीटर आपके सामने यूज़ करता हूँ। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है घर में मसाला पीसने के लिए ग्राइंडर, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन है डिलक्स ग्राइंडर, ये आप लोग लें। इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, एक ये ड्राई वाला भी आ रहा है और एक और भी आया है नया, जिसमें ड्राई और लिक्विड दोनों आप पीस सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके घर में होनी चाहिए। जब हम किचन में रेसिपी बनाते हैं तो ये चीज़ें होंगी, तो ईजी आप कुकिंग कर सकते हैं, बहुत जल्दी सेकेंड्स में बन जाती हैं चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे कीमा। कीमा शिमला मिर्च बनाने के लिए हमने कीमा लिया है चिकन का, आप बीफ भी ले सकती हैं, आप मटन भी ले सकती हैं, ठीक है। चिकन जो कीमो खणंदासीं 1.5 पा, ठीक है। चिकन जो कीमो खणंदासीं 1.5 पा, ऐं हिते असां पतीलो गरम कंदासीं। अच्छा, बसर टाइम बचाइण लाइ मां ॻाढ़ो बसर इस्तेमालु कंदो आहियां वधीक। नॉर्मल बसर सां कटिंग कंदासीं, उहो बि इन तरीक़े सां ई इस्तेमालु थींदो। त हिते मां हिन में पाणी हूंदो आहे, थां धोतल हूंदा आहिनि, त मां हमेशह इनखे खुश्क करे छॾंदो आहे अंदरां, ताकी ऑयल विझूं त पाणी न हुजे। ऑयल विझंदो त पाणी हुन में ईंदो, ऑयल उथलंदो, कपिड़नि जे मथां दाग थींदा, हथ मुंहुं सड़ी सघे थो। त हमेशह खुश्क थिए या गरम करे, पाणी जो कतिरो बि न रहे, पोइ ऑयल विझंदा कयो, ठीक है। इसमें हम डालेंगे ऑयल 1/2 कप, कुकिंग ऑयल 1/2 कप डाला। यहाँ पर मैं ब्राउन प्याज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ब्राउन प्याज यूज़ कर रहा हूँ टाइम की वजह से, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि प्याज ब्राउन करने में भी हमें 5 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो आप यहाँ पे 2 अदद प्याज लेके गोल्डन फ्राई करेंगे। हरिपुर से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल हैं? जी बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगी? हेलो, जी आपसे बात ही। चलें ठीक है, कोई फरमाइश नहीं है आपकी? नहीं। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, ऑयल गरम होगा तो इसमें आपने 2 अदद प्याज बड़े लेने, 1/2 स्लाइस कटिंग, जैसे हम प्याज को करके लाइट गोल्डन फ्राई करना है। लेकिन मैं ब्राउन प्याज यूज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो फिर मैं पहले इसमें साबित गरम मसाला डालूंगा, लेकिन हम क्या करेंगे, जब ब्राउन प्याज करेंगे
प्याज गोल्डन शुरू हो जाएगा, फिर हम साबित गरम मसाला डालेंगे। ठीक है, ऑयल गरम कंदो, ब गंड बसर जो विझंदो, जडे बसर गाढ़ो थे लगंदो, तेज पत्ता ब अदद विझंदासी, वडा फोटा ब अदद, लौंग चार अदद, अछो जीरो एक चाय जो चमचो, दारचीनी ब, नंडा फोटा ब, साबित कारा मिर्च 15 धाणा। ठीक है, तेज पत्ता ब, वडा फोटा ब, नंडा फोटा ब, लौंग चार, साबित कारा मिर्च विझंदो 10 का 12 धाणा, दारचीनी जी स्टिक विझंदो ब अदद, नंढियूं ए वडी है तो एक विझंदो, जीरो एक चाय जो चमचो। यहाँ पे मैंने क्या डाला, ऑयल गरम करेंगे, उसमें 2 अदद प्याज आप डालेंगी, प्याज बड़े होने चाहिए थोड़े, ठीक है, एक पाव से थोड़े कम या ऐसे 150 ग्राम जितना प्याज होना चाहिए। 2 बड़े प्याज आपने गोल्डन फ्राई करने, बहुत बड़े ना, मीडियम साइज़ के फ्राई होंगे, जब प्याज का कलर गोल्डन होने लगेगा आपने 2 तेज़पत्ते जो गरम मसाले में होते हैं साबित, 2 सूखे हुए तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी के स्टिक, 4 अदद लौंग, और उसके साथ सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबित काली मिर्च 10 से 12 अदद, हाफ कप कुकिंग ऑयल गरम करेंगे, उसमें 2 अदद बड़े प्याज मीडियम साइज़ के लाइट से गुलाबी कलर हो जाएगा, 2 तेज़पत्ते, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी के स्टिक, लौंग 4 अदद, साबित काली मिर्च 10 से 12 अदद, भगार बना। भगार बनने के बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ब्राउन प्याज, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था, ये ज़्यादा लाल हो जाता, जलना शुरू हो जाता। अब मैंने समझे इसमें 1 कप ब्राउन प्याज डाला है, 1 कप गाढ़ो बसर विधवा, लेकिन तां बसर पहिरीं गाढ़ो कंदो, पोइ साबित गरम मसालो विझंदो। अगर ब्राउन बसर विझो पिया तो पहिरीं साबित गरम मसालो विझो, पोइ ब्राउन बसर। अब ब्राउन प्याज हो गया, यहाँ पे डालेंगे अदरक और लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, कुटावा पेस्ट नहीं डालना है, ठीक है, कुटावा मोटा मोटा कुटावा आपने डालना है, अदरक 1 खाने जो चमचो, थूम 1 खाने जो चमचो, कुटे विझंदो, ठीक है, पेस्ट करे ना विझो, हथ उखरी मोरी में मोटो मोटो कुटे विझंदो, हिने जी थोड़ी खुशबू अचण लगे, तो पो हिते असा विझंदासी चिकन जो कीमो आहे 400 ग्राम के करीब थईंदो, 1.5 पाव चिकन का कीमा है 400 ग्राम बनेगा, ठीक है, और अगर बीफ और मटन का कीमा डाल रही हैं तब भी इतना ही डालिएगा, क्योंकि हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे तो अच्छी खासी ये वेजिटेबल और शिमला चिकन बढ़ के अच्छी खासी हो जाएगी। अब मैं इसमें पानी का छींटा दूंगा थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं पानी का छींटा दूंगा, तकरीबन 4 खाने के चम्मच, ठीक है, चिकन का कीमा डाला और चिकन को हमने 3-4 मिनट भूनना है, बीफ है या मटन है उसको भी 3-4 मिनट भूनने के बाद आप इसमें टमाटर डालेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं पानी नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 4 खाने के चम्मच हमने इसमें पानी डाला है, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, एकदम जलना ना शुरू हो जाए ब्राउन प्याज, ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे, चिकन कीमा 2 से 3 मिनट में फ्राई होना शुरू हो जाता है, इसका कुकिंग टाइम 7 मिनट होती है 8 मिनट, बीफ और मटन का कीमा 35-30 मिनट में पकता है, तो यहाँ पे चिकन का कीमा भूना 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, अब हम इसमें क्या डालेंगे मसाले, मसाले क्या जाएंगे, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर भर के 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल, हमेशा मैं बोलता हूँ है तो ज़रूर डाला करें, लेके रखें किचन में, होनी चाहिए, इससे खानों का कलर बहुत अच्छा निकल के आता है, देगी लाल मिर्च भी कहते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं, फीकी होती है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है, या पेपरिका पाउडर भी कहते हैं, वो लेके रख लें, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो 1 चाय का चम्मच, और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गाढ़ा मिर्च पीठल 1 चाय जो चमचो, हेड 1 चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, लूण 1 चाय जो चमचो, कारा मिर्च पीठल 1/2 चाय जो चमचो, धाणा पीठल 2 चाय जो चमचा, कश्मीरी गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हे आहे जीरे जो पाउडर 1 चाय जो चमचो, गाढ़ा मिर्च हेड, कुटियल गाढ़ा मिर्च, लूण 1 चाय जो चमचो, पीठल धाणा 2 चाय जो चमचा, कारा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, पीठल कश्मीरी गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, जीरे जो पाउडर 1 चाय जो चमचो। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। ओके, ये सारे मसाले और नमक इसमें चला गया, ठीक है, सबको डाल के हल्की आंच पे आपने भूनना है, और भूनते हुए फिर आपने इसमें पानी का छींटा देना है, क्योंकि मसाला जले ना, ठीक है, कलर देगा मसाला, थोड़ा सा 2 खाने के चम्मच पानी इसमें चला गया, और तेज़ आंच करेंगे और इसको भूनेंगे, ठीक है, बीफ है मटन है इसी प्रोसेस में आपने भूनना है, ठीक है, इसी तरह पकेगा,
अब हमने क्या करना है, इसको दो मिनट भूनना है कीमे को, दो मिनट भूनने के बाद गवर्नमेंट भुजन का पोया इनमें खुशबू अचन लगी मसालों ताली संदो वरी मैं इनमें थोड़ा पानी हणा पियो छाकण था मसालो सड़े ना, ठीक है, खुश्क थिंदो वने पियो सड़े ना, हल्का हल्का पानी का छींटा दिया। अब मैं इसमें डालूंगा शिमला मिर्च, ठीक है, कीमा भुन गया। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे आके बताऊंगा कि आप यहाँ पे पानी डालेंगे, बीफ है या मटन है तो इसमें 3 से 4 कप पानी डाल के हल्की आंच पे छोड़ देंगे, जब बीफ और मटन का कीमा गल जाएगा पानी खुश्क हो जाएगा भून लेंगी। ये चिकन है तो इसको मैंने ऐसे ही भूनते भूनते पका लिया, इसमें पानी नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके डालेंगे इसमें शिमला मिर्च, 1 पाव शिमला मिर्च है इस तरह क्यूब्स में कटिंग की हुई है, ठीक है, 1 पाव शिमला मिर्च है इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लें बीज निकाल के, 1 पाव शिमला मिर्च है बीज कटिंग इन तरीके से कटिंग करे वठंदो। शिमला मिर्च हली वही, शिमला मिर्च डाल के इसको 2 मिनट भूनेंगे, ठीक है, शिमला मिर्च विझी इनके 2 मिनट पचाइंदो ताकि शिमला मिर्च थोड़ी नरम थी। शिमला मिर्च के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, टमाटर के साथ ही हम शिमला मिर्च डालेंगे, लेकिन बीफ या मटन है तो पहले कीमे को आपने गलाना है 4 कप पानी डाल के हल्की आंच पे, जब कीमा गल जाएगा बीफ या मटन का तो उसके बाद आपने भून के फिर शिमला मिर्च डालना है, लेकिन ये चिकन है तो मैंने इसमें डायरेक्ट शिमला मिर्च डाल दी, ठीक है। शिमला मिर्च डालने के बाद 2 मिनट मिक्स किया, अब हम इसमें डालेंगे स्लाइसेस में कटिंग किए हुए 2 बड़े टमाटर या 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, लंबाई में स्लाइसेस में कटिंग किए हुए 2 बड़े टमाटर या 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, ठीक है, टमाटर विधा ट्रे अदद और इनके मिक्स कंदासी कॉल वठूँ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं केटीएस से आयशा बात कर रही हूँ। कश्मीर से? केटीएस से आयशा बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का करम, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लाइक करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, कोई फरमाइश करनी है आपने? जी नहीं। जी जी नहीं, नहीं करनी फरमाइश? जी फरमाइश नहीं करनी, आपकी काफी सारी डिशेस में। आप दोबारा बताइएगा, आप कौन से सिटी से बात कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आई थी उस वक्त। आयशा बात कर रही हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई फरमाइश नहीं आपकी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और थैंक यू आपने कॉल की, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे हमने टमाटर को भुना, टमाटर भुनते हुए नरम हो गए, टमाटर भुनने का पोर नरम थी, हाँ ऐसा इतने विजंदासी 1 कप पानी, 1 कप पानी आप अब डालेंगे, ठीक है, बीफ हो या मटन हो पहले आपने भून लेना है, बीफ या मटन को गला लेना है, ड्राई कर लेना है, लेकिन ये चिकन है तो इसको गलाने की ज़रूरत नहीं, तो 1 कप पानी जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 1 कप पानी डालने के बाद हमने इसको कवर करना है और 10 मिनट छोड़ देना है, 10 मिनट के बाद का प्रोसेस आगे बताएंगे आपको। अब हम आते हैं डो बनाने पे, डो हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं रस मलाई की डो, ठीक है, रस मलाई के बॉल्स जो बनते हैं वो हम बनाएंगे ड्राई मिल्क पाउडर से, ड्राई मिल्क पाउडर खुश्क दूध एन से जिसका नाम आता है पीले कलर का होता है, एक आता है बच्चों के लिए बुनियाद वगैरह वो नहीं, एक आता है ब्लू वाला बच्चों के लिए वो नहीं, येलो वाला जो होता है, समझ गए होंगे बहुत कॉमन है, तो 1 कप चाय का नहीं है ये, मेजरमेंट कप है, अगर चाय का कप सासर है तो 1.5 कप आपने लेंगे। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो, पूछना चाहती हूँ आपको केक कैसे बनता है? केक मेरी बहन मैंने बना दिया था फ्राइंग पैन, उसमें पतीले में भी बनाया था और ओवन में भी बनाया था, आप यूट्यूब पे देख लें, ठीक है, या फिर थोड़ा वेट करें एक दफ़ा फिर बनाना सिखाऊंगा कप केक, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चाय का कप है सासर वाला तो 1.5 लेना है, बड़ा मेजरमेंट कप है तो 1 लेना है, या ये जो कटोरी आप देख रहे हैं मेरे पास होती है, ये फ्रूट कस्टर्ड वगैरह खाने की जो सेट की कटोरियाँ होती हैं इस तरह की, आपने 1 ले लेनी है भर के, ठीक है। हेड़ी प्याली होंगी या हे तकरीबन अगर ग्राम में ॾिसूं था हे थी वेंदो 125 ग्राम, 125 ग्राम या आधा पाव बन जाता है, और अगर वैसे देखें तो 1 कटोरी आपने ले लेनी है पूरी भर के, या फिर आपने क्या करना है 1.5 कप सासर वाला भर के लेना है ड्राई मिल्क पाउडर। ब्रेक का टाइम हो गया, हाथ रोक रहा हूँ, ब्रेक के बाद आके हम इसकी डो बनाएंगे, ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक तो उन्होंने ब्रेकअप हो चुके कंटिन्यू करता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक तो उन्होंने का पहली तरह सामू जेकर रेसिपी ठाहियूं पिया वो हाँ ठाहियूं पे स्टार्ट कई है
रसमलाई, रसमलाई की रेसिपी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो रसमलाई की डो बनाने के लिए आपने जो कप सासर वाला कप होता है वो छोटा होता है, तो वो अगर लेंगी तो 1.5 कप लेंगी, वरना प्याली जो कटोरी होती है जिसमें हम फ्रूट कस्टर्ड वगैरह के सेट की कटोरियाँ होती हैं डिनर सेट की छोटी जैसे 6 होती हैं, उनको मेजरमेंट करके तो 1 लेंगी, ठीक है। वरना मेजरमेंट कप आते हैं यूज़ करता हूँ अक्सर मैं, वो लेंगी तो वो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ड्राई मिल्क पाउडर ले लिया, येलो वाला ले लें, ठीक है। उसके बाद हम क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे मैदा छान के 1 टेबल स्पून इस तरह भर के, देखिए मैंने कैसे भरा हुआ है फुल, इस तरह पूरा भर के 1 टेबल स्पून आपने मैदा डालना है छान के। मैं 2 हिक खाने जो चमचों ही हैं फुल लेवल में भरे, पहली छाने वट जो छाणी में फुल लेवल में भरे 1 खाने जो चमचों मैदा हली हो। 1 खाने का चम्मच मैदा डालने के बाद अब डालेंगे बेकिंग पाउडर, सिर्फ बेकिंग पाउडर जाएगा, मीठा सोडा वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। 1 चाय का चम्मच, 1/2 स्पून लीजिएगा, ये बड़ा चम्मच है तो मैं अंदाजे से, मुझे मेजरमेंट पता होती है। आप लोग ने क्या करना है, पूरी मेजरमेंट करके 1 चाय का चम्मच डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम डालेंगे इलायची का पाउडर 1 चाय का चम्मच, जितना तकरीबन 20 अदद इलायची को छिलके के साथ बारीक पीस लें, ग्राइंड कर लें, उसका छिलका बिल्कुल पिस जाए, जो थोड़ा थोड़ा दरदरा रह गया ऊपर से हटा दें छिलका वगैरह, ठीक है। ये डाल दिया, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, साहबा जी। अदी क्या हाल है? मजो मां ठीक ठाक, ता के रेंगे था गला पिया। अच्छा सिटी देर की मगल आया थी जी, कुछ चैन चाहिए दो दी जी। अदा तो पाए फिर वंगा दे शौक सारे सुदा आई हूं, आई डाटा पसंद इनो मेहरबानी का फरमाइश है ता जी। अच्छा नहीं फरमाइश है, सुन बंबई बिरयानी ये कौन सिखाया? ठीक है दी, नोट करे तो ठा जल्द ठाई लिंदा बंबई बिरयानी, ठीक है ठीक है ओके दी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए शिमला मिर्च और टमाटर इसमें नरम हो रहे हैं, शिमला मिर्च के साथ टमाटर इसमें गल गया है, ठीक है। टमाटर गरी मनन सफ़ा बारीक बारीक लंबाई में काट के डाल दें या चॉप करके डाल दें, और इसको अभी 5 मिनट बाद देखेंगे, मैंने एक दफ़ा मिक्स कर दिया अच्छी तरह, शिमला मिर्च इसी में गल जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे बनस्पति घी, बनस्पति घी 1 खाने का चम्मच, हर चीज़ मेजरमेंट से होगी तो परफेक्ट बनेगी रेसिपी। 1 खाने का चम्मच बनस्पति घी, गर्म नहीं होना चाहिए इस तरह, मेल्टेड हो, गाढ़ा हो, ठीक है। बनस्पति घी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून बनस्पति घी चला गया, ठीक है। बनस्पति घी विझण का पो हिनके ऐसा कंदासी मिक्स, ठीक है, हाथ से आपने मिक्स करना है, थोड़ा भुरभुरापन आएगा। फिर आपने 1 अदद अंडा बीट करके रखा हुआ है, 1 अदद बेदो फेटे रख जो, ठीक है, 1 अदद अंडा बीट करके रखा हुआ है, उसमें से 3 खाने के चम्मच अंडा इसमें जाएगा सिर्फ। पहले अच्छी तरह मिक्स करना है, 1 कप मेजरमेंट का या चाय वाला 1.5 कप आपने ले लेना है मिल्क पाउडर, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डालना है मैदा 1 खाने का चम्मच, इलायची का पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, बनस्पति घी 1 खाने का चम्मच, ठीक है। खीर 1 कप, बनस्पति घी 1 खाने जो चमचो, मैदो 1 खाने जो चमचो, बेकिंग पाउडर 1 चाय जो चमचो, इलायची पाउडर 1 चाय जो चमचो, 1 अदद अंडा बीट किया हुआ, इसमें 3 खाने के चम्मच सिर्फ इसमें से अंडा मैं अभी डाल रहा हूँ। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है। मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। क्या कह रही हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जी। कुछ कहना चाहेंगे, कोई फरमाइश है आपकी? जी मुझे फरमाइश ये है कि मुझे यखनी पुलाव बनाना चाहती हूँ, मुझे बन नहीं पाती बिल्कुल। यखनी पुलाव, ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ, इंशाल्लाह जल्द बना दूंगा, ठीक है जी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। अच्छा इसको देखें, अच्छी तरह इसकी डो बनेगी। मैंने 3 खाने के चम्मच इसमें डाला था, 1 अदद अंडा बीट करके रखा है, ये देखें फेंट के रखा है, इतना ना फेंटे कि इसमें झाग बन जाए, इतना फेंटे कि जर्दी और अंडा मिक्स, वो सफ़ेदी मिक्स हो जाए। अब इसकी डो 3 खाने के चम्मच हमने डाला, और अगर आपको लगती है ज़रूरत इसमें एक्स्ट्रा तो फिर आप 1 खाने का चम्मच और डालेंगे। और अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपको लगता है डो सख्त है, थोड़ी इसमें शाइनिंग आनी चाहिए, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे दूध रखा हुआ है मेरे पास, तो दूध में से हम लेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क सादा ठंडा, 1 खाने का चम्मच दूध मैंने पतीले से ले लिया ठंडा, ज़्यादा नहीं, 1 खाने का चम्मच दूध। ये ऑप्शंस हैं कि आपकी डो कितनी नरम है कितनी वो। 3 खाने के चम्मच इसमें चला गया था अंडा, अब आखिर में 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है दूध, इससे ज़्यादा नहीं डालेगा, बहुत नरम होगी, और अगर डो नरम हुई तो इसमें क्रैक्स बनेंगे, फटना शुरू हो जाएगी।
डोज सख्त होगी, अच्छी बनी होगी तो बनी। अच्छा, आटे की तरह गूंदना नहीं है, इसको इस तरह मिक्स करना है, गूंदना नहीं है, ठीक है। गोइणो ना है अटो, बस इन तरीके से इनके हे ऐसे साइड्स इन जा लाई छो, इनके बस ये आंगरन सा ये मिक्स कंदा वो, इस तरह आपने जस्ट इसको मिक्स करते जाना है, ठीक है। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसका एक बॉल बनाऊंगा हाथ में, और इसको आपने देखना है कि इसके ऊपर चिकनाहट है या नहीं है। अब देखें, इसको यूँ बॉल बनाते जाएंगे तो इसके अंदर से शाइनिंग नज़र आएगी, और आपके हाथों पे ये देखें गौर से दिखा जो, ये देखें इसमें चिकनाहट आ रही है, ठीक है। इनमें चिकनाहट अचे पई, शाइनिंग अचे पई, तो पो ताजी डो सुठी थी। कॉल वठूँ तो कराची से, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। कैसे कैसे जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बनाना सिखा दूँ? आप स्ट्रॉबेरी जैम बना रहे थे ना आज? स्ट्रॉबेरी जैम मैं कल बनाऊंगा, ठीक है। कल असल में स्ट्रॉबेरीज आई नहीं, तो कल इंशाल्लाह बनाएंगे। तो आज ये कीमा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। कल इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं लिख रही हूँ आपकी रेसिपी, आप बना रहे हैं ना, लिख रही हूँ मैं रसमलाई और वो। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोनों चीज़ें, ठीक है। ये आप रसमलाई की ना रेसिपी पूरी रिपीट करवा दूँगी मैं, अभी रिपीट कराता हूँ, आप टीवी की तरफ जाएँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। एक खाने के चम्मच जितना आपने पेड़ा उठाना है इसमें से, और इसको इस तरह हाथ पे रोल करना है, और रोल करते हुए इसमें देखें कहीं क्रैक्स तो नहीं आ रहे, बिल्कुल शाइनिंग आनी चाहिए, बिल्कुल चिकना होना चाहिए बॉल, ठीक है। घी डालने से, ऑयल नहीं डालिएगा, घी डालना है, ठीक है। ये देखें बॉल इतना बनेगा छोटा, ठीक है। इन तरीके से बॉल ठाईंदा वेंदासीं। एक टेबल स्पून एक खाने के चमचे जितो तक खड़ो, इलाई वधिक ना खड़ो, इलाई वड्यू ना ठही वन, बस छोके फुलजन दियो भी। इस तरह घुमाते जाएं, ये देखिए बिल्कुल शाइनिंग हो, क्रैक्स नहीं हो। अभी पहले बॉल्स बनाएंगे, बाद में इसको फ्लैट भी कर सकते हैं, इसको ओवल शेप में भी। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कीमा और शिमला मिर्च। ये देखें ज़बरदस्त शिमला मिर्च का कलर चेंज हो गया। अब इसको थोड़ा भूनेंगे तेज़ आंच करके, हाँ तेज़ बाय करे भूनंदासी। अब हम इसमें क्या डालेंगे, दही। हाँ इनमें विंदी दही, दही विजंदासी चार का पंच टेबल स्पून, चार से पाँच टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तेज़ आंच करके दही का पानी खुश करना है, कवर नहीं करना है, वरना क्या होगा कि दही से शिमला मिर्च बिल्कुल गल के हलवा हो जाएगी, शिमला मिर्च में दही पानी छोड़ेगी। तो इसलिए दही आपने डाली और इसको आपने इस तरह मिक्स किया। अब यहाँ पे हम उठाएंगे कसूरी मेथी, खुश्क मेथी एक चाय का चम्मच, खुश्क मेथी, कसूरी मेथी जो होंगी है मसले हथ से विझी छो, एक चाय का चम्मच कसूरी मेथी, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चाय जो चमचो कसूरी मेथी, अध चाय जो चमचो गरम मसाला पाउडर। अब ये दही ने पानी छोड़ा है तो ये लिक्विड बन गया, ठीक है। इसको हमने ड्राई फॉर्म में लाना है, आँच तेज़ करके मैंने छोड़ दी है, अब ये ड्राई फॉर्म की तरफ जाएगा। इस दौरान हम क्या करेंगे, इसमें साबित हरी मिर्चें डालेंगे, मोटी वाली पाँच से छः अदद, ठीक है, पंज का छः अदद साबित मोटा सावा मिर्च जो कढ़ाई गोश में भिजना है, ये डाल दिया। ये डालने के बाद आपने इसको चम्मच चलाना, इसका पानी ड्राई होने के लिए छोड़ देना, जो दही का पानी निकलेगा। फिर इसको हम पाँच मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, हरी मिर्चें और अदरक वगैरह डाल के फिर इसको हम डिश आउट कर देंगे। सिर्फ पाँच मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, तब तक हरी मिर्चों का कलर चेंज हो जाए, तब तक ये हमारा दही का पानी खुश्क हो गया। अब इसको मैंने पाँच मिनट के लिए दम पे लगा दिया। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त ये शिमला मिर्च कीमा बन रहा है। हैंड वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने मेथी यूज़ की थी अभी, तो हाथों में मेथी लग गई है, तो इसलिए क्योंकि मुझे डो बनानी है, तो हाथों को अच्छी तरह मैं धो लूँ पहले, ठीक है। हाँ छा कंदासी इंजा बॉल्स टाइम था। अच्छा, इसको ज़्यादा रखना नहीं है, क्रैक्स पड़ जाएंगे, तो इसलिए बस फौरन फौरन बनाते जाएं। कीमा शिमला मिर्च को हम करते हैं शिफ्ट यहाँ पे, और ये दम पे आ गया। दूसरी तरफ हम रखते हैं दूध, हाफ लीटर से तीन पाव जितना दूध लेंगे, ठीक है। दूध बॉयल है, टेट्रा पैक लें, कोशिश करें वो गाढ़ा होता है, वरना फुल मिल्क होता है। दूध गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे आठ खाने के चम्मच चीनी, तब तक हम लेते हैं बॉल्स, और एक इक्वल साइज़ के बॉल्स बनाने हैं। एक साइज़ जा बॉल्स ठाईंदो, ब्रेक जो टाइम थी जब तक मैं ये सारे बॉल्स बना रहा हूँ, दूध बॉयल हो रहा है। ब्रेक के बाद आके मैं रेसिपी पूरी रिपीट कराऊंगा दोनों की, और दूध बॉयल हो रहा है, जब तक दूध बॉयल होगा फिर इसमें मैं डालूंगा आठ खाने के चम्मच चीनी। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक देना, तब ब्रेकअप मुझे कंटिन्यू करता।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते उनका पहिरीं ताईं साम्हूं जेको कीमो शिमला मिर्च ठाहियो हो मां कढी छॾियो। कीमा शिमला मिर्च को पहले हम वाइंड अप करते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया फाइन चॉप किया हुआ, ठीक है। कीमा शिमला मिर्च बहुत ही मज़ेदार बन गया और मैंने इसको डिश आउट कर दिया क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, तो फिर ये निकाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्ची, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप चॉप करके डालें, बच्चे भी खा रहे होते हैं तो मैंने वैसे ही डिश आउट करने के लिए खूबसूरती के लिए हरी मिर्चें मोटी वाली जो तेज़ नहीं है वो बारीक चॉप करके डाल दी है, ठीक है। सावा मिर्च भी चढ़िया, अदरक बारीक जूलियन कटिंग करके ज़रूर डालना है कीमा शिमला मिर्च में, इसमें बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अदरक आई ये सब विझण का पो लीमो रखी छंदासीं जे मथा, लेमन रख लेते हैं एक लेमन, ताकि आप अगर लेमन खाना चाहें तो आप जब भी डिश आउट करती हैं कोई चीज़ तो उसकी गार्निशिंग अच्छी किया करें, उससे क्या होता है कि डिश का लुक अच्छा आता है, खाने में अच्छी लगती है, ठीक है। ये हमारे हो गया है कीमा शिमला मिर्च तैयार, ठीक है। कीमा शिमला मिर्च तैयार थी वो आई हाँ अचूता रसमलाई जी रेसिपी थे, रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ रसमलाई की। और यहाँ पर दूध हमारा बॉयल हो रहा है, ठीक है। कीमा शिमला मिर्च बड़ा ज़बरदस्त चिकन कीमा शिमला मिर्च है, आप बीफ कीमा शिमला मिर्च भी इसी प्रोसेस से बनाएंगी, ठीक है। और ये तकरीबन 6 अफराद आराम से खा लेंगे, 1.5 पाव कीमा हो, 1 पाव शिमला मिर्च हो, 100 ग्राम प्याज होगा तो वो क्वांटिटी बढ़ जाती है सब्ज़ी की। यहाँ पे 3 पाव दूध लिया, दूध को आपने अच्छी तरह बॉयल करना, फिर हल्की आंच पे छोड़ देना तो ताकि थोड़ा वो कम हो जाए और गाढ़ा होना लगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। फिर आपने 8 खाने के चम्मच चीनी डाल देनी, चीनी इसमें डिज़ोल्व हो गई मुसलसल पक रहा। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ केवड़ा वाटर, 1 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर, ठीक है। 1 चाय जो चम्चो केवड़ा वाटर, 1 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर। अगर केवड़ा वाटर नहीं तो केवड़ा एसेंस मिलता है तो वो फ्यू ड्रॉप्स 3 से 4 ड्रॉप्स डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ये डालने के बाद आपने इसको घुमाना है, खुशबू आने लगी है इसके अंदर से, ठीक है। इलायचियाँ डालना चाहें तो इलायची डाल दें, मैंने केवड़ा वाटर डाला। अब यहाँ पर जो मैंने बॉल्स बना के रखे थे इसकी रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। टे पा खीर, खीर के चंगी तरह काड़न दो, हल्की बाहे 15-20 मिनट छड़ी वो काड़न का पो 8 खंड जा चम्मच खंड वेजो, जो खंड विझी 10 मिनट पचन दिजो हल्की बाहे उन का पो तां छा कंदो इनमें केवड़ा वाटर या इलायची या पाउडर अध चाय जो चमचो ही छजो, 1 चाय जो चमचो केवड़ा वाटर, अगर केवड़ा एसेंस आए तो 1 ड्रॉप या इलायची जो पाउडर है नंढे फोटन जो तो अध चाय जो चमचो, हे पचे पे हल्की बाहे ते, ठीक है। इधर हमने लिया था मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर था, ठीक है। ड्राई मिल्क पाउडर येलो वाला आपने लेना है, और ये देखें इसको इस तरह मैं प्रेस कर रहा हूँ, क्रैक्स नहीं आने चाहिए, क्रैक्स आए तो आपने इसको सेट करना है। एक दफ़ा फिर सेट करके वो करते हैं, कराची से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम फैसल भाई जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। कुछ और क्या नाम है, ये स्ट्रॉबेरी जाम कब बनाएंगे आप? मैं कल इंशाल्लाह, आज मैंने बनानी थी तो स्ट्रॉबेरीज आई नहीं आज, तो इंशाल्लाह मैं कल जरूर बनाऊंगा स्ट्रॉबेरी जैम, ठीक है। वैसे आपके पकाए खाने जो है हमें बाहर से कुछ नहीं मंगाना पड़ता, बहुत बहुत सब मसाले मिल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश यही होती है कि घर के मसालों में बनाऊं ना, ताकि हर चीज आप लोग जी हाँ, बहुत अच्छे खाने पकते हैं, मैं बनाती हूँ आपकी चीजें जो बनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कराची से बात कर रही हैं? जी जी, चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल देखिएगा जैम। और भी कोई फरमाइश है तो बता दें, कुछ बनवाना है? नहीं शुक्रिया, आप हर चीज बना देते हैं, ठीक तो है। ये जाम की थी मेरी कि जाम बनाएंगे कल, बनाएंगे तो चले मैं कल इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह जरूर कल देखिएगा, ठीक है ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। 1 कप मिल्क पाउडर वडो या चाय वारो कप है तो 1.5 खड़ी वो मैदो 1 चाय जो चमचो अही ऐसो इनके हथ से प्रेस कर, हाथ से प्रेस करके करके इसको मैं डालता जा रहा हूँ, ठीक है, यूं करके, लेकिन क्रैक्स नहीं आने चाहिए साइडों में, वरना ये टूटना शुरू हो जाएंगी। बस आराम से आपने इसको डालते जाना, हल्की आँच पर रखना है, तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की आँच पर दूध रखना, 10 मिनट इसको कवर करेंगे, रसमलाई हमारी तैयार हो जाएगी। अच्छा, 1.5 कप हमने दूध लिया छोटा वाला, और अगर मेजरमेंट कप है तो 1 लेना है, और अगर चाय के कप है तो 1.5 खाने का चम्मच मैदा छान के डालेंगी, 1 चाय का चम्मच आपने बेकिंग पाउडर डालना है, इलायची का पाउडर आप इसमें डालेंगी तब 15 से 20 अदद इलायचियाँ पीस के अच्छी तरह उसके छिलके भी पीस के वो डाल देने इलायची का पाउडर। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें वनस्पति घी डालना है 1 खाने का चम्मच, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, भुरभुरापन आएगा। 3 से 4 खाने के चम्मच अंडा, 1 अंडा बीट करके 3 खाने के चम्मच पहले डालें, अगर ज़रूरत पड़े तो 4 खाने के चम्मच कर सकती हैं अंडा, वैसे 3 खाने के चम्मच काफ़ी होता है। मिक्स करेंगी, ज़रूरत पड़े दो सख्त लग रही हो तो फिर 1 चाय का चम्मच 1.5 चाय का चम्मच मिल्क लिक्विड वाला दूध डाल देंगी, ठीक है, ठंडा नॉर्मल वो डालने के बाद आपने क्या करना है, डो को अच्छा सा गूंदना नहीं, बस मिक्स करके रख देना 10 मिनट कवर करके, फिर हाथ पे बॉल्स बनाने, खुद ही वो ग्रीस होते जाएंगे आपके हाथ, और ये भी चिकना होगा अंदर, इसमें घी डला हुआ है,
तो उसके बाद आपने इसको प्रेस करना है, इस तरह टिक्कियाँ बनानी है। टिक्कियाँ बनाते हुए क्रैक्स नहीं आने चाहिए टिक्कियों के किनारों पे, ठीक है। तो ये टिक्कियाँ बना के मैंने इसमें डाल दी हैं, 10 टिक्कियाँ बनी है मेरी, ठीक है, 10 बनी है। तो अब यहाँ पे मैं इसको कवर करके, इसको मैं कवर करके 10 मिनट के छोड़ूंगा। 10 मिनट में ये तैयार होंगी, बीच में हम इसको पलटाते भी रहेंगे, एक दफ़ा खोल के इसको पलटाएंगे। 10 मिनट टोटल टाइम है इसके पकने का हल्की आंच पे, ठीक है। हिंजी रेसिपी रिपीट कराएं पियो, टिक्कियुनि जे लाइ 1.5 कप चाय वारो खणंदो, खीर खुश्क, या अगरि प्याली आहे जीअं वटी प्याली हूंदियूं आहिनि कस्टर्ड खाइण वारियूं, सेट सां गॾु जेके हूंदियूं आहिनि डिनर सेट जूं, उहा हिकु खणी वठिजो। हुनमें 1 खाइण जो चमचो मैदो, ठीकु आहे, ऐं बेकिंग पाउडर विझिजो, बेकिंग सोडा न विझिजो, न का मिठी सोडा विझो, बेकिंग पाउडर तव्हां हिनमें विझंदो 1 चांहि जो चमचो, नंढे पोटनि जो पाउडर विझंदो अधु चांहि जे चमचे खां मथे, 1 चांहि जे चमचे खां घटि, ठीकु आहे। हुनखे पोइ बनास्पति घी विझंदो 1 खाइण जो चमचो, चङी तरह मिक्स कजो सॼे अटे खे। हुनखां पोइ बेदो हिकु फेटे वठिजो, हुनमां 3 खाइण जा चमचा बेदो हुनमें विझणो आहे फेटियल, ठीकु आहे। 3 खाइण जा चमचा विझी पोइ हथ सां मिक्स कजो, अगरि ज़रूरत पए त 1 खां 1.5 चांहि जो चमचो सादो खीरु विझी छॾिजो, लिक्विड वारो पतलो खीर मां कढी थोरो सो उहो विझी हिनखे मिक्स कजो। पाउडर न खीर जीअं पाणी वारो हूंदो आहे उहो विझी चङी तरह मिक्स कजो, अटे खे ॻोहिणो न आहे, बसि मिक्स कंदो पाणी हथ ते सेट थींदी, बॉल ठाहींदो, हथ चिकणा थी वेंदा, अंदाज़ो थी वेंदो स्मूथ बॉल ठही। हुन जा पोइ 10 बॉल्स ठाहिजो, 10 बॉल्स ठाहिण खां पोइ हिनखे टिक्कियूं ठाहिजो, खीर गरम कंदो ट्रे पा, हुनखे चङी तरह बॉयल कजो, हल्की बाहि ते छॾिजो। पोइ 8 खाइण जा चमचा हिनमें तव्हां विझंदो खंडु, ठीकु आहे। 8 खाइण जा चमचा खंडु विझण खां पोइ हिनखे वरी पचाइजो चङी तरह, नंढा फोटा ईंदा उहो तोड़े पिसे विझी छॾिजो 8-10 अदद, न त केवड़ा वटे छॾिजोनि। खीर बॉयल थियो, हल्की बाहि करे छॾी, टिक्कियुनि खे चिपटो करे हिनमें विझी छॾिजो, ठीकु आहे। क्रैक्स न अचनि, साइड टुटनि न, पोइ हिनमें पचणु ॾिजो 10 मिंट ताईं हल्की बाहि ते, दम ते रखिणो आहे। 10 मिंट में ई तयारु थी वेंदियूं। शिमला मिर्च ऐं चिकन जी कीमे जी रेसिपी रिपीट कयां पियो। शिमला मिर्च चिकन जो कीमे लाइ 1/2 कप ऑयल गरम कंदो, हुनमें 2 वॾियूं गंढु बसर जूं गुलाबी कंदो, हुनखां पोइ तव्हां हिनमें विझंदो 1 वॾो 2 वॾा फोटा, 2 नंढा फोटा, 4 अदद लौंग, 1 चांहि जो चमचो अछो ज़ीरो, दारचीनी 1 डंडी, तेज़पत्ता 2 अदद, हे सभु विझण खां पोइ तव्हां लौंग 4 अदद विझण खां पोइ दाग ठहंदो। अदरक थूम कुटे विझिजो, पेस्ट करे न विझो, कुटे 2 खाइण जा चमचा विझंदो, हुनखे मिक्स कजो। पोइ कीमो विझी छॾिजो, बीफ आहे, मटन आहे या चिकन आहे, मां चिकन जो कीमो यूज़ कयो आहे। 1.5 पाउ कीमो, कीमे खे 4-5 मिंट भुञणो आहे, हुनखां पोइ तव्हां हिनमें मसाला विझंदो। पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चांहि जो चमचो, हैड 1 चांहि जो चमचो, लूणु 1 चांहि जो चमचो, पीठल धाणा 2 खाइण जा चमचा, लूणु 1 चांहि जो चमचो, ऐं कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चांहि जो चमचो। हुनखां पोइ देगी ॻाढ़ा मिर्च, मां कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च हूंदा आहिनि, उहो 1 चांहि जो चमचो, कलर हुनखां सुठो ईंदो आहे। हुनखां पोइ जीरे जो पाउडर 1 चांहि जो चमचो विधो, ठीकु आहे, गरम मसालो पाउडर न विधो। इहे सभु मसाला विझण खां पोइ भुञणो आहे, भुञण खां पोइ तव्हां हिनजे अंदरि विझंदो शिमला मिर्च 1 खां 1.5 पाउ जेतिरा शिमला मिर्च, बारीक न हुजनि, मोटा कटियल हुजनि। शिमला मिर्च विझी 2 मिंट भुञंदो, पोइ 3 अदर टमाटा दरमियाने साइज़ जा ॻाढ़ा कटिंग करे विझंदो, भुञंदो। पोइ चङी तरह भुञण खां पोइ हुनमें 1 कप पाणी विझी दम ते लॻाए छॾिजो, 10 मिंटनि खां पोइ खोले वरी हुनखे भुञंदो। पोइ हुनमें 1/2 कप यानी 4 खां 5 खाइण जो चमचा ॾही विझंदो, ॾही वधीक खटी न हुजे, ॾही विझी चङी तरह हुनखे भुञंदो, पाणी खुश्क थियणु लॻंदो। कसूरी मेथी हथ सां भोरे चङी तरह 1 चांहि जो चमचो विझंदो, ठीकु आहे। कसूरी मेथी विझण खां पोइ 2 चांहि जो चमचो गरम मसालो पाउडर विझंदो, सावा मिर्च साबित वारा मोटा 6 खां 8 विझी दम ते लॻाए छॾिजो, 5 खां 8 मिंट आख़िर में कढी, सावा धाणा अदरक बारीक कटिंग थियल ऐं सावा मिर्च लीमा वग़ैरह हुन सां गॾु सर्व करे छॾिजो। मज़ेदार हे तव्हांजो चिकन शिमला मिर्च कीमो तयारु थी वियो आहे, ठीकु आहे। चिकन शिमला मिर्च कीमे की रेसिपी रिपीट करा रहा हूं। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? हाँ, रुखसाना जैदी, कैसी हैं आप? पता है आपको एक बात बताऊं? हेलो, आवाज आ रही है? अब आई, बिजनेस चली गई थी। मैं एक बात बताऊं आपको? जी। आज आपको, फरजाना शाकिर को, अफरोज आंटी को हम याद कर रहे थे, अभी ब्रेक पे जब गया था ना, सब हम याद कर रहे थे कि पता नहीं कहाँ हैं, कैसे हैं, सब कॉल नहीं आ रही, और आपकी कॉल भी आ गई। लाइन में आपकी शायद कोई प्रॉब्लम है, सिग्नल का इशू आ रहा है। हेलो, ये देखें, एक दफ़ा मैं इनको पलटाता जा रहा हूँ, हे दिखारजो, हे मां पलटाएं पे, ये वडे साइज़ में थींदी वनन पे, ठीक है। इनके साइज़ बड़ा होता जा रहा है, आपने पलटाना है 7-8 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद पलटाएगा, हल्के हाथ से पलटाना है, टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। इनके मैं पलटाई छोड़ी, वरी मैं इनके कवर करी छोड़ी, 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कवर कर दिया है।
ब्रेक पे जा रहे हैं, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक होने का पहले ही सामू जेकर रसमलाई ठाई, रसमलाई मैंने बनाई तो ये देखे मैंने इसको निकाल दिया है। 10 से 12 मिनट बाद आपने निकाल देना है, ठीक है। पतीले में नहीं छोड़िएगा, पतीले में क्या होता है कि वो गर्म रहेंगी और फिर वो टूटना शुरू हो जाएंगी। 12 मिनट बाद आपने रसमलाई को स्पून से उठा उठा के प्लेट में रख दें ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए, दूध थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। फिर लेकिन बिल्कुल खुश्क नहीं होनी चाहिए, हल्के से दूध के साथ आपने निकाल के रखनी। मैंने प्लेट में डाली है, बॉल में इसलिए नहीं डाली क्योंकि अभी गर्म है तो टूट जाएंगी। इस तरह फैला के रखें चौड़े पैन में, उससे क्या होगा गर्म होंगी टूटेंगी नहीं, वरना आपने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग की तो फ़ौरन टूट जाएंगी। ठंडी होंगी तो ये सेट होंगी, अपनी जगह पर आएंगी। इस तरह करके आपने इसको फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रख दें, बिल्कुल सेट हो जाएंगी ज़बरदस्त रसमलाई। ऊपर पिस्ते बादाम से गार्निश कर दें, ठीक है। रसमलाई जॾहिं बि ठाहियो 12 मिनट खां पोइ तयारु थी वञनि, वॾियूं थी वञनि त पोइ हुनखे प्लेट में पहिरीं कढी वठिजो, हिकिड़ो हिकिड़ो दाणो अलॻि करे आराम आराम सां टुटे न, गरम हूंदी आहे त टुटण जो ख़तरो हूंदो आहे। पोइ जॾहिं सेट थी वेंदियूं, लेकिन थोरो खीरु विझी रखिजो, न त खुश्क थी वेंदियूं। सेट थी वञनि इहे, उन खां पोइ जेको खीरु बचियल आहे उहो बि थधो करे छॾिजो, हिनखे बि थधो करे पोइ पाण में कंबाइन करे रखे छॾिजो, ठीकु आहे। पोइ हिनखे भली मज़े सां तव्हां थधो करे खाओ। रसमलाई हमेशह थधी सुठी लॻंदी आहे, न त गरम हूंदी त चमचे हणण खां भुरिजी वेंदियूं आहिनि, ठीक है। कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा तो उसमें देख लीजिएगा। पोलियो जो एक दफ़ा वरी बुधाइंदो हलां, 5 सालनि खां घटि ॿारनि उमिरि जे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा ज़रूरु पीआरियो। हर भेरे पोलियो वैक्सीन जा कतरा पीआरियो, ऐं जेके नंढा ॼमंदड़ ॿार आहिनि जेके फौरन पैदा थींदा आहिनि उन्हनि खे बि पोलियो जा कतरा बाक़ाइदगा सां पीआरियो। हिन में नागो न करिणो, छाकाणि त असांजे मुल्क में अञा बि कुझु इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जिते पोलियो जा कतरनि जी ज़रूरत आहे, पोलियो जी बीमारी हुतां वई कोन्हे। बाक़ी अलहमदिल्ला पाकिस्तान में काफ़ी जॻहियुनि खां ख़तमु थी चुकी आहे। कुझु असांजे सिंध में एरिया आहिनि, कुझु ॿिए इलाइक़नि में जिते ई आहिनि, त महिरबानी करे हिते ज़रूरु पोलियो वारी जेका टीम ईंदी आहे उन्हनि जी इज़त कयो, उन्हनि खे विहारियो। लेडीज़ ईंदियूं आहिनि घर में कतरा पीआरण, हुनखे कतरा पीआरियो। ॿारनि खे मना न कंदा कयो, बेस्ती न कंदा कयो उन्हनि जी, इहे तव्हांजी औलाद लाइ तव्हांजी नसल लाइ तमामु ज़रूरु हिन जी ज़रूरत आहे। वधीक राबते लाइ सॉरी नंबर आहे 1166 कॉल कयो, 1166 कॉल कंदो, इहे हिननि जो हेल्पलाइन नंबर आहे। हिते जे इलाइक़े में तव्हांजे अगरि पोलियो वारा नथा अचनि त तव्हां हिते करे उन्हनि खे ॿुधायो की अची तव्हांजे ॿारनि खे, या वैक्सीनेशन सेंटर्स आहिनि उते वञी कतरा ज़रूरु पीआरंदा कयो। सॉरी एनएक्स आहे, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, सुपर डीलक्स चॉपर आहे, डीलक्स ब्लेंडर ऐं ग्राइंडर आहे, हुनजे अलावा हैंड बीटर आहे, हैंड मिक्सर आहे, ऐं केक ठाहिण वारी मशीन आहे, हुनजे अलावा मसाला पीसण वारी आहे, माइक्रोवेव इस्त्री, काफ़ी हिन जी वसी रेंज आहे। तव्हां ॾिसी सघो था हिननि जी वेबसाइट ते। इनशाला सुभाणे इहे 9 बजे रिपीट रहंदो, कल सुबुह 9 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ सां मेरा पेज हमारा रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। कल हम बनाएंगे वेजिटेबल बिरयानी, सिंधी स्टाइल की वेजिटेबल बिरयानी, तह वाली, जैसे बम्बई बिरयानी सिंधी बिरयानी बनती, इस तरह वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल के सब्जियों का सीज़न भी है तो बिरयानी बनाएंगे। साथ हम बनाएंगे इसके स्ट्रॉबेरी की जैम, जो आज बनानी थी आज नहीं बना सके, कल इंशाल्लाह बनाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो, कुकिंग विद शेफ सां मुंहिंजो पेज आहे, उते रेसिपी अपलोड थींदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते, सब्सक्राइब कयो, पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखिजो। सुभाणे मिक्स वेजिटेबल बिरयानी ठाहींदासीं, ख़ासकर वेजिटेरियन फैमिलीज़ लाइ तमामु ज़बरदस्त बिरयानी हूंदी देगी स्टाइल जी, हुन सां गॾु ठाहींदासीं स्ट्रॉबेरी जैम। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, दुआउनि में यादि रखंदो। सुभाणे मुलाक़ात थींदी, अलाह हाफ़िज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।